नई टाइप की लगती है, और 11-12 के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते, तो बता देता हूँ। लाइट का कोई सोर्स है, जैसे मैंने बताया कैंडला, कैंडल के नाम पे, इन द नेम ऑफ ऑनेबल कैंडल। तो लाइट का कोई सोर्स है जैसे बल्ब, अब वो चारों तरफ उसकी लाइट फैल रही है, देखो चारों तरफ फैल रही है, तो हम चारों तरफ स्पेस में एक सॉलिड एंगल, अभी मैं बताता हूँ सॉलिड एंगल पे भी आएंगे, एक सॉलिड एंगल मतलब ये जैसे ये 3 डायमेंशनल एंगल ले लें, चारों तरफ का जो ये सॉलिड एंगल है ऐसे 4π² रेडियन का होता है, एक स्फेयर समझ लें, तो एक पर्टिकुलर हिस्से में यूनिट सॉलिड एंगल में जितना ल्यूमिनस फ्लक्स जाता है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने ना ल्यूमिनस फ्लक्स पढ़ा होगा बट एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, जितना ये फ्लक्स जा रहा है अगर फाई लिख लें और सॉलिड एंगल अगर ओमेगा ले लें, तो फाई पर ओमेगा होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फाई पर ओमेगा फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। फ्लक्स लुमेन में मेजर करते हैं, अब देखो कहीं ना कहीं लाइट के सोर्स में ल्यूमेन लिखा रहता है, और उसको सॉलिड एंगल स्टे रेडियन में, तो ल्यूमेन पर स्टे रेडियन में आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकल आती है, ये लाइट के सोर्स को कंपेयर करने के लिए होती है कि लाइट का सोर्स कितना ज्यादा इंटेंस, कितना ज्यादा ब्राइट, कितना ज्यादा इल्यूमिनेट कर रहा है, इसी की यूनिट कैंडेला होती है। ठीक, तो मैं आपको